हे ऑल, दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम विश अकेडमी डॉट कॉम। एंड लास्ट वीडियो में हम एक इमेज को अपलोड कर चुके हैं सक्सेसफुली, बट इसमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी या वैलिडेशन नहीं है एंड दिस इज़ नॉट गुड। जब भी आप किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो हमेशा आपको सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन का ध्यान रखना चाहिए। सो चलिए देखते हैं किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटीज एंड वैलिडेशन हमारी फाइल्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पर मैं फाइल को भी अपलोड करना बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। एंड देन इसके बाद हमारे डॉलर अंडरस्कोर फाइल के जितने भी अरे कीज़ हैं उन्हें मैं दे दूंगा एक वेरिएबल नेम लाइक डॉलर अवतार, देन दिस इज साइज, इसलिए डॉलर अवतार साइज, ओके। देन डॉलर अवतार दिस इज टाइप, सो टाइप, ओके। एंड नाउ अब हम यहाँ से वैलिडेशन अप्लाई करना शुरू करेंगे। सो इफ़ एम्प्टी डॉलर अवतार नेम इज फॉल्स देन इट्स ओके, अदरवाइज इको प्लीज सेलेक्ट एन इमेज टू अपलोड, ओके। सेव इट एंड रीलोड द पेज। देन यहाँ पर मैंने कोई फाइल चूज़ नहीं की, अभी अपलोड करता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट एन इमेज टू अपलोड, ओके। एंड अगर मैं अपलोड करता हूँ किसी इमेज को तो यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, तो नेम जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगा। तो प्लीज़ नोटिस कि यहाँ पर मैंने एक नॉट ऑपरेटर लगाया है, ओके। सो प्रोसेसिंग अहेड लाइक दिस, नाउ एंटर एंड चूज़ अ फाइल सम फाइल एंड अपलोड इमेज, सो प्रोसेसिंग अहेड नाउ। सो फाइल अपलोड हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना है और आगे के वैलिडेशंस चेक करना है। सो उसके बाद हम चेक करते हैं कि साइज़ जो है वो मैटर करता है, साइज़ कितना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी इमेज अपलोड कर दे लाइक 25 MB, 50 MB या XYZ, ओके। सो हम एक लिमिटेशन देंगे साइज़ की कि इससे ज़्यादा साइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए आपकी इमेज की। सो इफ़ डॉलर अवतार साइज इज़, यहाँ पर इमेज की जो साइज़ होती है वो बाइट्स में होती है, तो आपको बाइट्स में उसे मेज़र करना होता है। सो हम जाते हैं गूगल पर एंड लिखते हैं MB2 बाइट्स, ओके। एंड हमें यहाँ पर मिलता है एक वैल्यू, इसे हम कॉपी करते हैं, ये बाइट्स की वैल्यू 1 MB में इतनी बाइट्स होती है, इसे मैं यहाँ कर दूँगा पेट्स की स्मॉलर देन, ओके। सो आप यहाँ पर जितने भी MB की इमेज चाहते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो 1 MB से ज़्यादा की ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 MB को बाइट्स में कन्वर्ट करके और यहाँ पर लिखा है, ओके। सो इफ़ अवतार साइज इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 MB देन इट्स ओके, अदरवाइज इको इमेज साइज इज टू लार्ज, ओके। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब हमने अभी तक यहाँ पर ट्रेस नहीं किया है कि ये इमेज ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल साइज इज टू लार्ज, ओके। देन हमने चेक कर लिया है कि इमेज एम्प्टी नहीं है, इमेज का साइज़ भी प्रॉपर है। अब अगर इमेज जो है वो इमेज नहीं है, कोई और फाइल है, तो आप कैसे ट्रेस करेंगे? लेट्स सी, यहाँ पर हम इसका एक्सटेंशन फाइंड करेंगे। सो डॉलर अवतार एक्सटेंशन इक्वल टू, आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है पाथ इन्फो फंक्शन का, ओके। एंड पाथ इन्फो में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर पाथ देना होता है और उसके बाद में आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं लाइक पाथ इन्फो, डायरेक्टरी नेम, बेस नेम, एक्सटेंशन या फाइल नेम। सो हमें चेक करना है फाइल का एक्सटेंशन, तो हम यूज़ करेंगे php info_extension। सो php info दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, पहला है स्ट्रिंग मतलब आपका पाथ, सो इन दिस केस यहाँ पर पाथ है डॉलर अवतार अंडरस्कोर नेम एंड हमें चेक करना है इसका पाथ। सो हम यूज़ करेंगे पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन लाइक दिस, ओके। सो अगर डॉलर अवतार, इसे हमको इको करके दिखाता हूँ एक्सटेंशन किस तरह से आ रहा है। सो इको डॉलर अवतार एक्सटेंशन, नाउ रीलोड द पेज, देन चूज अ फाइल,
Oh, sorry, it's PSD. And it's too large. So choose a file, then choose an image and upload it and see JPG. Okay. So इस तरह हम extension trace कर लेते हैं किसी भी file का. Now if dollar avatar extension is equal to JPG, then it's okay. Or dollar avatar extension is equal to JPEG, then it's also okay. Or dollar avatar extension is equal to PNG, then it is also okay. और आप चाहें तो इसी तरह GIF को भी allow कर सकते हैं if you want. And अगर JPG, JPEG या PNG नहीं है तो echo only JPG, JPEG, comma PNG files are allowed to upload. Okay, now save it. एंड अगर ये भी ठीक है, ओके एक्सटेंशन भी ठीक है, तो हम यहाँ पर इको कर देंगे. ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ एंटर. ओह, एनी एरर? ओके, सेमी कॉलम. एंटर, देन चूज अ फाइल, आई चूज इट अगेन, देन अपलोड एंड ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन. ओके, अब हम इस फाइल को मूव कर सकते हैं हमारी डायरेक्टरी में. सो लेट्स मूव इट. यहाँ पर मैं इन्हें कट करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, देन इन्हें कर दूंगा मैं अनकमेंट. सो रिमूव द कमेंट्स एंड नाउ चूज अ फाइल. सॉरी, अपलोड द पेज फर्स्ट. नाउ चूज अ फाइल, सेलेक्ट इमेज एंड अपलोड. एंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली. नाउ लेट्स सी इट. ये देखिए cnphp.jpg. अनदर फाइल लाइक दिस वाइल्ड पीपल वाली. सो दिस इज 140917.jpg. ओके, नाउ अपलोड इट. सो यहाँ पर देखिए 140917 आ चुकी है यहाँ पर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स परफेक्टली. ओके, सो इस तरह फाइल को हमने अपलोड कर दिया है एंड वैलिडेशंस के साथ अपलोड किया है. तो कोई और फाइल अपलोड नहीं हो सकती जेपीजी, जेपीजी एंड पीएनजी के अलावा. बट हम इसे डेटाबेस में किस तरह रिफ़र करेंगे? लाइक कोई यूज़र जब प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है तो वो डायरेक्टरी में मूव तो होती है, लेकिन उसका जो पाथ होता है वो डेटाबेस में भी अपलोड होता है या डेटाबेस में भी स्टोर होता है. सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, don't forget to put your comment. How was this video? Like the video, share the video, subscribe the channel, and happy coding.